नमस्कार दोस्तों, YouTube के अनिल टेक्निकल चैनल में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़रा काफ़ी देरी से आया हुआ है, लेकिन क्षमा चाहता हूँ। देखिए दोस्तों कि आज का जो सब्जेक्ट है या अभी टॉपिक लाया हूँ मैं दोस्तों अपस्टॉक के रिगार्डिंग, ये डेमो ट्यूटोरियल वीडियो है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनको कहना चाहूँगा पहले कि अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑप्शन रिगार्डिंग, मार्केट रिगार्डिंग बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो में पोस्ट करता हूँ, तो उसका लाभ आप ज़रूर उठाएं। और दोस्तों कुछ भी रिगार्डिंग आपको अगर प्रॉब्लम हो, आप शेयर मार्केट रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, मैं यहाँ पर फ्री में सर्विस प्रोवाइड करता हूँ दोस्तों, तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। अगर शेयर मार्केट में नए हो और अगर आपने अपस्टॉक में अगर अकाउंट अभी तक नहीं खुला है या फिर अपस्टॉक में अकाउंट खोलना चाहते हो तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं या फिर मैं लिंक दे दूँगा। और अगर आपका अकाउंट खुल चुका है और आपको डेमो देखना है, आप नए हो, तो ये आपको वीडियो आप पूरा देख लीजिए दोस्तों। पूरा वीडियो पूरा देखा, स्टार्टिंग से पूरा देखना, स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर खोलना है। प्ले स्टोर में जाके जो भी आपका अपस्टॉक का अपना जो वर्जन है उसको खोल लेना है दोस्तों, स्टॉक को। और इस तरह से मैंने ऑलरेडी खोल लिया है पहले से ही, तो आपको उसमें लॉगिन पासवर्ड डाल के आप उसको पहले लॉगिन कर लीजिएगा दोस्तों। जैसे आप लॉगिन करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको पहले आपका डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड में देखें, यहाँ पे तीन लाइन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, इस तरह से आपको यहाँ पूरा आपका वॉच लिस्ट, ऑर्डर हिस्ट्री, पोर्टफोलियो बैलेंसेस, मोर और रेफरल, बहुत सारा इसमें ऑप्शन है दोस्तों। तो इसमें से मैं पहले आपको दिखाऊँगा कि पहले आपको क्या करना है। आपको यहाँ पे दिख रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी, ठीक है दोस्तों। बैंक निफ्टी और निफ्टी आपको दिख रहा है, ये इंडेक्सेस है। और यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट ऐड करनी है, तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है वॉच लिस्ट। तो वॉच लिस्ट में दोस्तों आपको बैंक निफ्टी जो भी आपको ऐड करना है स्क्रिप्ट, या जो भी आपको नाम देना है उसको, तो आप यहाँ पर पहले न्यू वॉच लिस्ट करके यहाँ पर ऑप्शन है, आपको न्यू वॉच लिस्ट का ऑप्शन में यहाँ पर आप जो भी आपको नाम देना है उसको नाम दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं नाम देता हूँ कि इंट्राडे स्टॉक, ठीक है, इंट्राडे स्टॉक, तो मैं ऐसा नाम दे दिया इंट्राडे स्टॉक, ठीक है दोस्तों। तो इंट्राडे स्टॉक को मैंने नाम दे दिया है और इसको यहाँ पे सिंपली डन कर लेना है। तो इस तरह से आपका इंट्राडे स्टॉक ऊपर आ जाएगा। अब ये आपकी हो गई वॉच लिस्ट। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, आपको सिंपली इस तरह से देखो, राइट साइड में आपको यहाँ पे एक प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो भी स्क्रिप्ट या भी जो भी आपको शेयर्स, जो भी कंपनी आपको ऐड करनी है, आप यहाँ पे सिंपली ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे भी कोटक बैंक ऐड कर रहा हूँ दोस्तों, कोटक बैंक, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख रहे हैं कोटक बैंक में जो भी एनएससी है, देखो कोटक बैंक एनएससी, इसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपको ऐड करना है। आपको फिर से अगर चाहे तो आपको इंडियन बैंक ऐड करना है, ठीक है, इंडियन बैंक, तो इंडियन बैंक आके दोस्तों इस तरह से आपको जो भी है आपको आप ऐड कर सकते हैं। तो आप कितने भी स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आपको जो वॉच करने हैं आप उस स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका वॉच लिस्ट के बारे में। और दूसरी चीज़ देखते दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको ये आपका एक वॉच लिस्ट हो गया, इस तरह से आप मल्टीपल वॉच लिस्ट बना सकते हैं। इंट्राडे के लिए अलग से बना सकते हैं और चाहे तो बैंक निफ्टी, निफ्टी के लिए अलग बना सकते हैं दोस्तों। थोड़ा आगे जाते हैं दोस्तों और कि देखो, यहाँ पर अभी हो गया आपको वॉच लिस्ट का हो गया। उसके बाद में आपको ऑर्डर हिस्ट्री, आप जो भी ऑर्डर डालेंगे, जो भी आप बाय सेल करेंगे उसको ऑर्डर हिस्ट्री यहाँ पे देखना है। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको जो भी आप ऑर्डर मतलब डालेंगे, बाय सेल करेंगे, आपने ऑर्डर डाल दिया तो उसका आपको ऑर्डर हिस्ट्री में यहाँ पे आपको देखना है। आपका ऑल ऑर्डर यहाँ पे आएगा, जो भी आपका ऑर्डर अगर ओपन हैगा तो ओपन का ऑर्डर आप इसमें दे सकते हैं, और क्लोज अगर हुआ तो इसमें आप जो भी आपका पोजीशन सिक्योर हो गया उसमें आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया। तो इस तरह से ये वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो रहा है, तो अगले वीडियो में मैं इसका आगे का पार्ट में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो ठीक है, यहाँ पे मैं स्टॉप कर लेता हूँ दोस्तों, वीडियो बड़ा हो रहा है। तो फिर से मैं कहना चाहूँगा, ये वीडियो आपको दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो ये इसको लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों अगला वीडियो, अगर आपने मेरे चैनल पर नए हो तो पहले आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट करें, ताकि मेरे आने वाले सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, आशा करता हूँ आपको